सो गाइज हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। गाइज ये है मोनू त्रिपाठी और Hello, आज हम लोग का एक प्लान बन रहा है कहीं जाने का, क्योंकि मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है और सावन का महीना है। तो इन्होंने मतलब रिक्वायरमेंट की है कि आज चलते हैं एक मंदिर घूमने, जो कि रीवा का प्रसिद्ध मंदिर है, चिरहुलानाथ स्वामी मंदिर। तो गाइज वहाँ पर क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है, मतलब शंकर जी के हैं। सावन में शंकर जी से के भी दर्शन हो जाएंगे और हनुमान जी से भी मिलेंगे। तो चिरहुलानाथ स्वामी हमारे रीवा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं, इन लोगों को दर्शन कराते हैं और घुमाते हैं, मंदिर की सैर करवाते हैं और फिर हम वापस आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। और गाइज इधर क्या चल रहा है? इधर आज मम्मी तो लगी हुई हैं अपनी रेसिपी बनाने में। सो गाइज आज स्पेशल चीज़ बन रही है और ये होती है ना बेसन की रसाज की कढ़ी, आज मम्मी बना रही हैं। तो बहुत ही गजब की और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है सभी के द्वारा। हमारे घर में तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए मम्मी बना रही हैं बेसन की, तब तक मैं अब चलता हूँ नहा धोकर पूजा पाठ। सो गाइज ये है हमारे पूजा का स्थान, तो चलिए पूजा पाठ करते हैं। सो गाइस अब हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब तो चलने वाले हैं चिरहुलानाथ मंदिर। चिरहुलानाथ मंदिर तो चलिए वही जाने वाले हैं आप लोग चिरहुलानाथ मंदिर। तो ठीक है हाँ चलो ले लो जो जो लेना चलो। गाइस हम लोग जा रहे हैं चिरहुलानाथ, ये भाई मन त्रिपाठी है और ये हमारे गुरुदादा जा रहे हैं। तो गाइज अब हम लोग पहुंच गए हैं और ये महिमा और मोनू है जो कि प्रसाद ले रहा है, नारियल वगैरह, और ये है प्रसाद ले लेते फिर चलते हैं। सो गाइज हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अब चलिए चलते हैं मंदिर। तो आज इन लोगों को दर्शन करवाते हैं चिरहुला मंदिर का। आराम से गिरना पड़ना नहीं, ठीक है ना? तो ये देखिए गाइज बाहर से कितना अच्छा लग रहा है चिरहुला मंदिर। तो गाइज ये है कुछ बाहर से नज़ारा। नारियल तोड़वा लो तुम, तोड़वाओगे कच्ची नारियल बन जाएगी। इधर है इधर, ए कहाँ जा रहे हो? इधर बढ़ाना। सो गाइज यहाँ से एंट्री होती है चिरहुलानाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए और ये देखिए यहाँ मानस वगैरह तो होती ही रहती हैं, मतलब हमेशा ही ये तो देखने को मिलता ही है मंदिर में, और भीड़ भाड़ भी बहुत ही होती है, लेकिन आज है शुक्रवार इस कारण से ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो गाइज चलिए आपको दिखाते हैं हनुमान जी का दृश्य। और ये देखिए हनुमान जी का दरबार कितना अच्छा है, पंडित जी लोग हैं और पूजा आरती लगता है हो चुकी है। चले चलते हैं शंकर जी मंदिर और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करते हैं। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। हाँ ले आओ, यहाँ है द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आप लोगों को आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं एक एक करके। तो फिलहाल आरती का भी समय है, तो चलिए चलते हैं और अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। आरती का समय है, आरती हो रही है। तो दोस्तों जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करने को मिलते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है। उसके बाद चारों तरफ ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ स्वामी की है, ये गुजरात में विराजे हुए हैं, तो बोलिए जय श्री सोमनाथ। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में विराजे हुए हैं। तीसरे नंबर पर है श्री महाकालेश्वर उज्जैन, जहाँ मैं भी जा चुका हूँ। और चौथे हैं श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर जो कहाँ है, खंडवा में, ये भी अपने मध्य प्रदेश में ही हैं। तो उज्जैन और खंडवा दोनों मध्य प्रदेश में। पांचवें हैं श्री वैद्यनाथ जो कि चिताभूमि में विराजे हुए हैं, तो ये हैं वैद्यनाथ स्वामी। और छठवें नंबर पर श्री भीमा शंकर पुणे जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में।
और उसके बाद सातवें नंबर पर है श्री रामेश्वर सेतुवन, जो कि तमिलनाडु में और श्री राम जी के हाथों के द्वारा इन्हें बनाया गया है। और आठवें नंबर पर श्री नागेश्वर, ये कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में ही है। सो अगले जय श्री विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में विराजे हुए हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है। दसवें है जय श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक, जो कि बहुत ही बढ़िया मंदिर है। ग्यारहवां है जय श्री केदारनाथ, जो कहाँ है, उत्तराखंड। और बारहवें है श्री घुश्मेश्वर स्वामी औरंगाबाद। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। गाइज आप लोगों ने दर्शन किया 12 ज्योतिर्लिंगों के, हमने एक साथ दर्शन करवा दिए हैं। और गाइज अभी फिलहाल तो आरती चल रही थी और आरती का भी हमने मतलब आरती में भी पहुंचने का सौभाग्य मिल गया और साथ ही साथ आप लोगों को हमने 12 ज्योतिर्लिंगों को भी एक साथ दिखाया। तो सावन के महीने में शिव जी के दर्शन करवा दिए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो गाइज चले ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कुछ देर में, सो फिर चलते हैं फिर घर। और आज इन लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं, मोनू और महिमा। तो ये मोनू फिलहाल अभी तो जा रहा है अभी शंकर जी को नहलाने, पूजा करने। तो इन लोगों को तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो आता रहता हूँ क्योंकि अब ये लोग आना जाना इधर कम रहता है, इस कारण से यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। सो फर्स्ट टाइम आए ये लोग और मैं तो आता ही रहता हूँ। सो गाइज यहाँ से देखिए कितना अच्छा चिरहुलानाथ मंदिर लग रहा है। और गाइज उधर साइड ना तालाब है और पार्क टाइप का भी है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज आज तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, इसका कारण ये है कि आज शुक्रवार है और कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है सैटरडे को। और हालांकि सावन के सोमवार में भी यहाँ सावन में भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं, हालांकि आज कम ही है, लेकिन सोमवार से ज़रूर भीड़ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे शंकर जी भी यहाँ पर हैं और हनुमान जी भी यहीं पर हैं। सो गाइज तो भीड़ तो मतलब बहुत ज़्यादा होने वाली, कल तो आप लोग मतलब देखिए यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो गाइस इन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं हनुमान जी का भी और शंकर जी की भी। तो अब ये बताइए आप लोग कैसा लगा मंदिर घूम के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा बहुत अच्छा है, बजरंग बली की कृपा हम पर बनी रहे। आप लोग एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे, जय श्री राम। और साथ ही साथ शंकर जी के दर्शन करके द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत दूरी दूरी के बहुत अच्छे अच्छे देवन देव महादेव शंकर भगवान है। अच्छा उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना? सौभाग्य प्राप्त हुआ, उज्जैन वाले उत्तराखंड वाले सभी है, सभी शंकर जी है। तो चलिए छोड़ते, एक बार और मैं दर्शन करना चाहता हूँ चिरहुलानाथ महाराज। जाओ करके आओ फिर चलते हैं। चले ठीक है गाइस। तो गाइस वहाँ पे बहुत अच्छा था, हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए वहाँ पे, महाकालेश्वर उज्जैन वाले विश्वनाथ काशी वाले, तो बहुत अच्छा लगा हमको वहाँ पे जाकर के। और वहाँ पे साक्षात चिरहुलानाथ इनका इतना प्रचार प्रसार, इतना भक्ति में लीन सब, तो हम वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप लोग भी जाइए कभी आप लोगों को मौका मिले, और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम जय श्री रघुनाथ जरूर लिखें। जय श्री राम। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? गाइज आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि सावन के महीने में हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दिए हैं। सो गाइज चिरहुलानाथ मंदिर में वहीं शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हैं और हनुमान जी भी हैं, सो इसलिए आज हम गए थे। सो गाइज आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ब्लॉग, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही हम वीडियो सावन के महीने में लेकर आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।